गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत स्वागत है तुम्हारा। तो आज एक टॉपिक जो आज का विषय है वो है हेल फ्री ताल। तो कैसे बनाएंगे हम बगैर तेल के दाल, वो है इसमें आज। तो देखिएगा आज किस तरह से बनता है और ये फॉलो जरूर। हम लोग तेल का एक बूंद भी नहीं डालेंगे, तेल नहीं डालना है। क्या डालना है? जीरा, मुझे जीरा डालेंगे। ठीक है, ठीक है, जीरा डाल दिया। तो मेरे को भी दिखाओ। तो गाइस हमने ये अभी जीरा डाल दिया है इसमें। जीरा, तो जीरा को हम लोग भूनने देंगे थोड़ा सा, उसकी खुशबू आने लगी है। तो खुशबू आने के बाद हम लोग इसमें तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे। देखो दिखाओ, इसमें तेल बिल्कुल नहीं है इसमें। जीरा, ये देखो जीरे का कलर चेंज होने लग गया है। ये बना पूछो बोल, क्या बना, क्या बना रहे हो? ये बन रहा है विदाउट ऑयल दाल। ऑयल का यूज नहीं होगा, विदाउट ऑयल, ऑयल फ्री। ये काट के करके रखे हुए हैं प्याज। तो हम प्याज को डालेंगे। प्याज को डालने से क्या होगा, प्याज के साथ वो मिक्स हो जाएगा एकदम। मतलब जो जीरा है वो उसके साथ एकदम मिक्स हो जाएगा। चलो तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर डाल दिया। देखो ये डाल दिया। अब इसको इसमें जो भी ये धनिया जीरा डाला था हमने, वो जीरा इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। इसमें हमने पानी डाल दिया। इसमें पानी में पकाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके पानी में पकाएंगे इसको। पानी में पकते पकते ये थोड़ा सा सुखा देना है इसको। ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना पानी। देखिए ऐसे, ठीक है। और आपने क्या करना है, मसाला अपने पास रखना है, रेडी रखना है। इसकी क्या करिए, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सारे कुछ आपने डाल दिया है इसमें। अब इसको हल्का तेल आइए, थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें और इसको पकने दीजिए फिर से। तो आप देख रहे हैं ये ऑयल फ्री दाल बन रही है। इसका मसाला ये तैयार हो रहा है, ये देखो अच्छे से बन गया है। अब ये इसमें इसको थोड़ा सा और पकने दीजिए, थोड़ा और सकने दीजिए। ओके, तो देखिए गाइस, ये देखो अच्छे से हो गया कि नहीं। थोड़ा सा लाइट तो आ गया, ये थोड़ा सा अब ये करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सूख गया ना ये। तो लिखा होगा, मुझे लिखा। तो गाइज आपने देखा यहाँ तक हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको सूखने, उसको सुखाने के लिए उसमें हमने पहले पानी डाला था। पानी नहीं डालेंगे हम, हम उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर का पानी जो होगा वो अपना सूख लेगा थोड़ा सा और मसाला बन जाएगा। तो हमने ये कट कर लिए और उसके बाद हम ये इसमें ये अच्छे डाल देंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे चला, ये देखिए कलर इसका ज़बरदस्त हो गया। और ये देखो मैंने 100 टेम्परेचर पर भी इसे कर दिया, तो ये धीरे 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 अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा अभी इसमें।
और दूसरी तरफ से ये तैयार हो रहा है यहाँ पे आलू और ये कुछ कुछ गोभी के कुछ काट के ये देखो तो नए स्टाइल से बनने जा रहा है। तो माँ कैसे बनेगा ये है माँ? हाँ कैसे बनेगा? ये गोभी का डंटा है, मिक्स सब्जी बनेगी। टेस्टी होगा ना? हाँ बहुत टेस्टी होगा। ये जो स्टाइल है ये है त्रिपुरा स्टाइल। त्रिपुरा स्टाइल वाला है ये अभी हल्के टेम्परेचर में अभी हो रहा है, देखते हैं क्या हाल है इसका। खाते ये देखिए राइस होने लगे ना धीरे 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 धीरे। ये मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया 200 पकड़ दिया और देखेंगे राइस इस जो ऑयल फ्री दाल है इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहा है। कौन? चिया इंडक्शन, कैंट इंडक्शन के सौजन्य से ये बन रहा है विदाउट ऑयल दाल। ये राइस, ये दाल देखिए अच्छे से ये उबाल लिया हमने। अब देखिए ये ये देखिए ये आपके दाल जो तैयार हो गई है, ये ऑयल फ्री दाल तैयार है आपका बन। अब तो थोड़ी देर में ये बनके तैयार हो जाएगा, बस ये हो गया। तो कैसी लगी आपको ये ऑयल फ्री दाल रेसिपी? और होपफुली आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे फॉलो जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइएगा। तो गाइस आज था संडे, तो संडे को संडे के थे हम संडे स्पेशल शेफ। तो जब भी हमें मौका मिलता है किचन में घुसने का तो हम कुछ नया कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि मतलब कुछ तो फ़ायदा हो, यानी तेल बचेगा हमारा वो तो है। उसके बाद आपके जो आपके शरीर में जो ये तेल खा के जो गंद फैल जाता है और बहुत प्रॉब्लम है। देखो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत खुश है इस दाल को। इन्होंने देख लिया, टेस्ट भी कर लिया, बहुत अच्छा लगा इनको। तो ये जो दाल है आपके शरीर को स्वस्थ रखने का ये पहला स्टेप है। तो आप इसको से दूर बचाइएगा और इसको जूस अवश्य करिएगा। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यह मोदी सरकार की सरकार आज रहेगी। नेक्स्ट 5 साल और आ गए, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारा देखिए।